लोकसभा चुनाव का बेगुला पूरी तरह से बज चुका है। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा, अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो वो आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए विकल्प ढूंढने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने कहा कि आवारा कुत्तों का खतरा एक खतरनाक रूप ले चुका है। भारत के अलग अलग राज्यों से हर साल कुत्ते के काटने की घटना सामने आती रहती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कुत्ता काटने की घटना में हर साल करीब करीब 26.5% की बढ़ोतरी होती है। आंकड़ों के अनुसार हर साल में कुत्ते के काटने की घटना साल 2022 में 2.18 मिलियन दर्ज की गई थी, जो एक साल बाद यानी 2023 में 2.75 मिलियन तक पहुँच गई थी। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में कुत्ते के काटने के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। केरल में साल 2022 में 4000 केस दर्ज किए गए थे, जो साल 2023 में बढ़कर 63,458 हो गए। देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो यहां साल 2022 में 6000 से ज्यादा, वहीं साल 2023 में 16000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में पिछले 5 सालों में घटनाओं में 85% तक की कमी दर्ज की गई है। बता दें, साल 2018 में 107,642 केस दर्ज किए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों में से 36% मौतें भारत में होती हैं। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों में 30% लोगों की उम्र 15 वर्ष से भी कम होती है।